हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 2 फाइल करना। आईटीआर 2 फाइल करना काफी आसान है। यहां पर हम जो है इसको फाइल करेंगे जब आपकी जो है सैलरी इनकम आ रही होगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही होगी, या फिर आपकी जो है शेयर मार्केट से इनकम आ रही होगी, कैपिटल गेन नेचर की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इसके लिए आईटीआर 2 में जा सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो आपकी एफडी की इनकम आ रही हो तो भी हम आईटीआर 2 में फाइल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और समझिएगा, इसमें जो है काफी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले जो है शेयर मार्केट के लिए हमें जो है यहाँ पर जो है जो आपका टैक्स पीएनएल अकाउंट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इंटरडे ट्रेडिंग की होगी या फिर आपने अगर फ्यूचर ऑप्शंस पे डील किया होगा, फिर उसके लिए आईटीआर 3 आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। आईटीआर 3 के लिए जो है सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, यहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। लेटेस्ट यहाँ पर आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5 सबके वीडियो अवेलेबल है। हम आज की वीडियो में आईटीआर 2 कवर करेंगे। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, www.incometax.gov.in। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले जो है डाउनलोड करना है फॉर्म 26AS एंड AIS। ये दो चीजें हम यहाँ पर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो जो आपका पैन नंबर है वो यूजर आईडी होता है, पासवर्ड जो है आपने जब सेट किया होगा वो, अगर आप भूल गए हैं तो आप इसको जो है फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आता है यहीं पर, जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ आगे प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, अगर आप भूल गए तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। पैन कार्ड अगर रजिस्टर नहीं किया तो कंटिन्यू, यहाँ पर जो है रजिस्टर का एक ऑप्शन दिया गया है, वहां पर जो है पैन कार्ड की डिटेल्स डालकर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई करा के आप ये डिटेल्स भी वेरीफाई करके और इसको जो है लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यूजर आईडी एक बार आपकी पैन कार्ड ही बनेगा, पासवर्ड आप सेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेता हूँ एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड पैन कार्ड से, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हम प्रोसीड करने वाले हैं AIS, तो AIS पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है फॉर्म 26AS एक बार वेरीफाई करेंगे, वो ई फाइलिंग के अंडर में मिलेगा आपको। यहाँ पर जाना है, U26AS फॉर्म पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है डाटा चेक कर लीजिएगा पूरा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है डाटा अपडेट होने में हो सकता है टाइम लगा हो। तो अगर आपका डाटा कंप्लीट नहीं आया है तो आप अपने आईटीआर को भी बाद में फाइल कर लीजिएगा, या अगर ज्यादा नेसेसरी आपको आईटीआर फाइल करना तो आप अभी फाइल करके सबमिट कर सकते हैं, बाद में करेक्ट इनकम के साथ इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को आप जो है रिवाइज कैसे करेंगे उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। इसको टाइम लिमिट के अंदर फाइल करेंगे तो रिवीजन में कोई भी लेट फीस या पेनल्टी अलग से नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रेसिस की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। इस बार फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो उसका जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 होगा, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फर्दर आगे प्रोसीड करना है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है AIS दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर AIS पर क्लिक कर लेना है। तो AIS पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएगी, जैसे सेल, परचेज, GST की डिटेल्स, कोई भी सिक्योरिटी आपने परचेज की होगी, आपकी सैलरी की डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करना है, इसी तरीके से आपको 26AS भी वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर जो है सारी चीजें मैच करने के बाद आपको अपने जो भी आपका डीमैट स्टेटमेंट है, जो भी यहाँ पर भी आपका डीमैट अकाउंट है, वहां से स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है टैक्स पीएनएल की। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस टाइप से व्यू आता है, सबका अपना अलग अलग व्यू है, तो आप रेस्पेक्टिव जिसका भी आपको डाउनलोड करना है वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर 1 से लेकर 4 तक, फिर उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और वो जो स्टेटमेंट है वो आपको डाउनलोड होकर दिख जाएगी। मैं भी वो जो स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सेल में डाउनलोड हुई है वो आपको दिखाऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा एड्स में कहाँ पर आपको इनकम फीड करनी है, ठीक है। चलिए तो इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करके हम यहाँ पर डायरेक्ट आईडीआर सेलेक्ट कर लेते हैं, आईडीआर 2। तो आईडीआर 2 हम यहाँ पर ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं, इस पर क्लिक करना है आपको, फाइलिंग न्यू रिटर्न पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आगे यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ से आईडीआर फॉर्म 2 में जाना है, प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करके आपको फर्दर यहाँ पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हुए आगे प्रोसीड करना है। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आप आगे फर्दर आपको प्रोसीड करना है। ये आपसे कंफर्म करेगा कि आपको जो है अपने इनकम के ऐड खुद से पता है, या अगर आप सभी सारे सेलेक्ट करके फिर आगे फर्दर उनमें जो है चेंजेस करना चाहे तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन मेन हेड्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, उसके अलावा जैसे आपको ऐड करना है कैपिटल गेन्स का तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। कैपिटल गेन्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ऐड कर लिए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, ये आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है डिडक्शन, तो इस बार जो है न्यू टैक्स रिजीम है, काफी सारे डिडक्शन तो ऑलरेडी मिलने वाली है नहीं है, तो टैक्स में आप ये पूरा का पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके टैक्स पेमेंट्स है, टैक्स PDS है, वो सारे आ जाएंगे। अदर्स में स्पेशल अगर आपको फिर लेना है, जैसे पिछली बार के जो है फॉरवर्ड लॉस, करंट ईयर के फॉरवर्ड लॉस अगर आपको एडजस्ट करने हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं।
अब इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है कंटिन्यू पर। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आप जो है इस बार जो है न्यू टैक्स रिजीम से जो है ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूँ कि जो नॉन बिजनेसमैन है तो उनके लिए फॉर्म 10IA जरूरी नहीं है, वो अपने आईटीआर फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी आप जो है इस न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या इससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ये लिखा है कि अगर आप इस ऑप्शन इस वाले ऑप्शन से अगर आप ऑप्टिंग आउट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो है कोई फॉर्म फाइल नहीं करना क्योंकि यहां पर जो है हम आईटीआर 2 भर रहे हैं, आईटीआर 2 जो है वो बिजनेसमैन के लिए होती नहीं है। लेकिन अगर आपने आईटीआर 3 में आप गए और आप जो है बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर रहे हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम में ना रहूं, तो फॉर्म 10IA पहले फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है जो भी आपकी एलिजिबल डिडक्शन है, क्योंकि कुछ डिडक्शन यहाँ भी आपको क्लेम करने के लिए मिलेगी, वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। बाकी कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, आपके सामने काफी सारे हेड्स आ जाएंगे, उन हेड्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आगे फर्दर हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। ये हमारे सारे हेड्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसमें जो है मैं आपको सैलरी का हेड्स बताऊंगा, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन की इनकम किस तरीके से आपको एंटर करनी है और अदर सोर्स की इनकम, वो सारे यहाँ पर डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सैलरी की इनकम ऐड कर लेते हैं, उससे पहले भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसमें आप अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है तो आप माई प्रोफाइल में जाकर अपडेट कर लीजिएगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा, बाकी बैंक अकाउंट्स ऐड अगर आपको करने हैं तो आप यहीं पर ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका फाइलिंग स्टेटस जो है 139(1) में रहेगा। अब अगर आप इस रिटर्न को भरने के बाद रिवाइज करना चाहेंगे तो 139(5) आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस ये चेंज है। बाकी हम यहाँ पर न्यू आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 139(1) ही रहना है, बाय डिफॉल्ट हो ही रहता है। यहाँ पर जो न्यू टैक्स रिजीम वाला ऑप्शन है फिर से इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, तो नो इसको रहने देना है। बाकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कर लिया था कि टैक्सेबल अमाउंट जो है मैक्सिमम और चार्जेबल टू टैक्स से हाई है, तो वो 2.5 लाख रुपए की लिमिट होती है, इसलिए मैंने वो वाला ऑप्शन लिया है। आपको भी वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। अगर आप रेजिडेंट है तो ये वाले ऑप्शन आपको लेना है, बाकी इसके अलावा आप चेक कर लीजिएगा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, कुछ जो डिफरेंसेस है टैक्स के वो यहाँ पर अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाले स्पेशल प्रोविजन है कि 115H में आप जो है क्लेम करना चाहते हैं बेनिफिट, यस नो, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी सारी डिटेल्स मैं अभी नो करके यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ। डायरेक्टर्स आप ये हैं या नहीं, आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स है नहीं है किसी कंपनी के, तो आपको अपने यहाँ पर जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो केस टू केस डिफर करेगा, ठीक है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर लेना है। बाकी बैंक डिटेल्स है, एक बैंक डालना मैंडेटरी है, बाकी अदर बैंक भी आप ऐड कर सकते हैं जिनमें आपके पैन कार्ड आधार। इसके बाद यहाँ पर जो है हम सैलरी डिटेल्स फाइल करेंगे, तो सैलरी में जो है अभी हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो सैलरी है वो 10 लाख रुपीज है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपकी एक्चुअल सैलरी है वो यहाँ पर एंटर करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है नेम ऑफ एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड होगा, 10 नंबर मैंडेटरी नहीं है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उनका नेम, एड्रेस और यहाँ पर जो है नेचर की वो जो है वो किस टाइप की एंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर अभी अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा जो है नेचर ऑफ सैलरी की बेसिक कितनी है, डीए कितना है, कन्वेंस अलावेंस है, एचआरए कितना है, क्योंकि इस बार जो है न्यू टैक्स रिजीम में तो एचआरए की डिडक्शन मिलनी नहीं है, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके फॉर्म 16 है उसमें से देख के डाल सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं आया तो आप पूरा का पूरा अमाउंट जो है टोटल एक ही सिंगल फिगर बेसिक सैलरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो अभी 10 लाख रुपीज एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी जो आपको एक्चुअल अपने अकॉर्डिंग डालना है 50,000 की यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, वो सभी के लिए अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम में भी वो अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस टाइप से आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, यहाँ पर जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बायफर्केशन अवेलेबल है तो प्रॉपरली आपको बायफर्केशन के साथ ही एंट्री करनी है, अगर नहीं अवेलेबल है तब ये फिगर इस तरीके से यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर जो है 50,000 रुपए की ऑटोमेटिकली डिडक्शन आ चुकी है, मैं कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट में फाइल करेंगे अपने जो है हमारे कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो कि हमें शेयर मार्केट से हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सेल दिखा देता हूँ, इसमें जो है आपको इस टाइप से डाउनलोड करनी है, ये अलग अलग जो भी आपके डिमांड्स अकाउंट का सबके फॉर्मेट हो सकता है अलग अलग हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर सेकंड पेज पे इक्विटी का आता है, फिर म्यूचुअल फंड, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी, अदर डेबिट, तो यहाँ पर जो है कैपिटल गेन्स रिगार्डिंग जो है कवर होगा। अगर इसमें इंटरडे वाला है फिर आपको आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो है कुछ इंटरडे की ट्रांजेक्शन है, तो वो आपको अगर फाइल करनी है तो उसके लिए आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे एंटर करने हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर ही इस वाली स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आता है, जरूरी नहीं है कि सभी का फॉर्मेट इसी तरीके का हो, किसी का अलग टाइप का भी हो सकता है। बेसिकली आपको जो है आपकी स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, ठीक है। ये आपको AIS में भी दिख रही होंगी, पर ज्यादा करेक्ट वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। इसमें जो है सीधा सा आपको जो भी आपकी बाइंग वैल्यू है उनका जो है आपको टोटल कर लेना है, और जो आपकी सेल वैल्यूज है उनका आपको टोटल कर लेना है, ठीक है।
क्योंकि दोनों ही कॉलम्स अलग अलग हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एंटर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है प्रॉपर डिटेल के साथ ही आपको एंटर करना है, कोई भी यहाँ पर गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो डिटेल्स होती हैं ये आपके डीमैट, जो भी यहाँ पर भी आप डीमैट मेंटेन करते हैं आपका अकाउंट, उससे जो है डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पास ऑन होती है। ठीक है, तो जो भी गेन या लॉस आ रहे होंगे उनके प्रॉपरली आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर ये सेल परचेज की वैल्यूज आ गई टोटल, और यहाँ पर जो गेन या लॉस है वो आ गई है। तो लॉन्ग टर्म में इस केस में यहाँ पर लॉस हुआ हुआ है, और यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म में गेन हुआ हुआ है। तो हम यहाँ पर प्रॉपरली एंटर करेंगे आईटीआर फॉर्म में। तो आईटीआर में हम यहाँ पर चलते हैं कैपिटल गेन्स वाले अपने शेड्यूल में। कैपिटल गेन्स में जो है इसके लिए आपको ये शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एक चीज और भी आती है कि आपका जो है ना इस पर लायबिलिटी आती है कि जो आपने गेन किया है तो वो आपने उस पर टैक्स दिया है नहीं दिया है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है उसको पीरियडिकली भी भरवाता है ये। तो आप उसको स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, मिड में भी डाल सकते हैं, या अगर आप इसको डेट वाइज बायफर्केट कर सकते हैं फिर आप इसको डेट वाइज भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है मेरे पास दोनों शेड्यूल्स आ चुके हैं। ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये मेरा शॉर्ट टर्म के लिए है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके एड पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो वैल्यूज आई है ये मैं यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज है, ये मेरे शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, ये सेल वैल्यू है, ये परचेज वैल्यू है। ठीक है, तो ये सेल वैल्यूज हमें यहाँ पर एंटर करनी है इस तरीके से। यहाँ पर एंटर करने के बाद ये आपका जो गेन है ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, और इसके लिए जो अब आईटीआर फॉर्म में क्या है कि लास्ट ईयर के जो भी आपके अगर गेन या लॉस थे तो जो गेन है वो तो ऑलरेडी उस पर टैक्स जा चुका होगा, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी, तो मैं आपको भी बता दूंगा। उसके लिए अलग से शेड्यूल दिए गए हैं, CFL कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड और लॉसेस वो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कंडीशंस भी चलते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए स्पेशल रूल्स है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है व्यू शेड्यूल्स पर, इसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है ऐड डिटेल्स पर। ठीक है, यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म वाले ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको ले लेना है ये वाला ऑप्शन। अगर आपका इससे प्रीवियस वाला है फिर आपको जो है वन बाय वन करके यूनिट ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी इस वाले केस में क्या है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इस पीरियडिक मतलब इस डेट के बाद की हैं, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट एंटर करने वाले हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ठीक है, इससे रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लेम नहीं करना चाहते तो आप जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके लिए डिडक्शंस अलाउड होती हैं, लेकिन उनके लिए भी सेपरेट कंडीशंस हैं। तो अब यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। ये आपकी जो डिमेट स्टेटमेंट है सारा डाटा वहीं से मिलने वाला है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये एडजस्टमेंट होने के बाद आपका यहाँ पर नेट लॉस आ गया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म से यहाँ पर लॉस है, बाकी शॉर्ट टर्म से कैपिटल गेन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर लिया। अब उसके बाद जो है आपको डिडक्शंस की बात करें, तो डिडक्शंस कुछ स्पेशल डिडक्शंस अलाउड होती है चैप्टर 6A की, वो आप ले सकते हैं। जैसे ये अग्निवीर स्कीम वाली होगी, TCCD2 वाली, तो अगर वो अवेलेबल है तभी आपको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। तो अभी हम यहाँ पर फिलहाल के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि वो दोनों जो डिडक्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाकर वो सारी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो पहले भी आप क्लेम करते थे। ठीक है, तो उसके लिए कोई ऐसा ज्यादा चेंज नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर जो है ये जो डिटेल्स है जैसे मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल रिडक्शन है वो ही यहाँ पर ही अलाउड करेगा, बाकी रिडक्शन को अलाउड भी यहाँ पर नहीं करने वाला है। तो अभी हम यहाँ पर इसको जीरो एज्यूम कर रहे हैं। उसके अलावा सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप, जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी, लेकिन वो भी सबके केस में मैंडेटरी नहीं होती है। अदर सोर्स की इनकम जैसे कि आपकी डिविडेंड की इनकम, तो डिविडेंड मत भूलिएगा, वो डिविडेंड की इनकम भी आपको यहीं से मिल जाएगी। डिविडेंड इनकम जो है आपके जो भी आपके डिविडेंड्स होंगे वो आपको सीट पे से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फाइल कर रहे हैं अदर सोर्सेज हेड, तो अदर सोर्सेज का जो हेड है उसमें आपको डिविडेंड इनकम डालनी है, आपके सेविंग बैंक के इंटरेस्ट डालने हैं, पोस्ट ऑफिस के जो भी आपके डिपोजिट से इंटरेस्ट आया हुआ है वो आपको डालने हैं। तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके प्रॉपरली इसको सारे डिटेल्स को प्रॉपरली वन बाय वन करके एंटर करेंगे। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट, डिपोजिट, इनकम टैक्स का रिफंड, अदर कोई इनकम है तो वो भी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इसी तरीके से जो आपका डिविडेंड आया हुआ है वो भी आपको यहीं पर एंटर करना है, क्योंकि वो भी आपका जो है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में कवर होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि डिविडेंड मिला हो, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी स्टेटमेंट से, जो भी आपके टैक्स पेनल डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट है उसमें से वहां वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल रेट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कोई अदर इनकम है जो कि आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी आप यहाँ पर डिक्लेयर करके, एग्जेम्प्ट के लिए शेड्यूल अलग से है, वहां पर आप दिखा सकते हैं।
और यहाँ पर ही अक्रूअल बेसिस वाले में आपको डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे मैंने बताया डिविडेंड इनकम के लिए जो भी डिविडेंड इनकम आएगी उसके अक्रूअल बेसिस आपको यहाँ पर भी एंटर करना पड़ेगा जितनी हम यहाँ पर डिविडेंड इनकम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल रेट वाले में जितनी हमारी डिविडेंड इनकम होगी उसके लिए यहाँ पर जो है अक्रूअल बेसिस भी फिल करना होगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करते हुए प्रोसीड करना है, और उसके बाद जो है आपको लास्ट में जाकर आपकी यहाँ पर जो है टैक्सेबल इनकम आ जाएगी उसमें देख लीजिएगा। हाँ, इससे पहले टीडीएस वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। टैक्स पेड में जो भी आपके टीडीएस कटे हुए हैं वो आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा 26S से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिटेल्स रह जाए। ठीक है, टीडीएस हो, टीसीएस हो, या फिर उसके अलावा कोई अपना एडवांस टैक्स भरा हो, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करके फाइल कीजिएगा। पहले टैक्स की पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद ये फॉर्म फाइल करना है। टैक्स के साथ मत करिएगा, फिर बाद में डिमांड आती है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो ये नेसेसरी जो है हार्डशिप आ जाती है। ठीक है, पार्ट बी टी टी आई के अंडर में जाकर आप अपनी कंप्यूटेशन चेक कर सकते हैं। टोटल इनकम ये है, कैपिटल गेन्स इस तरीके से आपकी इनकम कैसे कैलकुलेशन है, उस पर कितना टैक्स आया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको देगा, जो लॉस होंगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो लास्ट ईयर के लिए थे वो इसमें डिटेल्स आएगी। ठीक है, ये वाली डिटेल्स दोनों ऑटोमेटिकली आएगी, बस आपको जो है एक बार चेक करनी है, वेरीफाई करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर पार्ट बी टी टी आई के अंदर में कंप्यूटेशन और विविध टैक्स, जो भी आपका टैक्स हो रहा होगा पेबल वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अमाउंट पेबल है, इसको पहले चलान के थ्रू भरना है, तो यहाँ पर ई पे टैक्स करके इसका चलान भर देना है। चलान भरने के बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले में वैल्यू एड करनी है। यहाँ पर कोई अमाउंट पेबल नहीं आना चाहिए, अगर आपको कोई रिफंड बनना होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करके प्रीव्यू कर लेना है, वैलिडेशन कर लेना है। उसके बाद जो है आप ईवीसी के थ्रू या आधार ओटीपी के थ्रू उसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब 30 दिन का टाइम लिमिट है, जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं उसके 30 दिन के अंदर वेरीफाई कर देनी है, अदरवाइज आपकी आईटीआर नॉन फाइलिंग मानी जाएगी। फिर जब आप फाइल करेंगे उसी डेट में जिस दिन वेरीफाई होगी, तो उस केस में अगर आपने ड्यू डेट के बाद किया तो आपके पास जो है लेट फाइलिंग का, जो लेट फीस का जो नोटिस है वो भी आ सकता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो आईटीआर फाइलिंग, इनकम टैक्स और जीएसटी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।